हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुलुज किचन। फ्रेंड्स, आज हम एकदम क्रिस्पी और सबका फेवरेट टी टाइम स्नैक्स चीज कॉर्न बॉल बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। यह एकदम चीजी टेस्टी बनेंगे। बहुत कम चीज़ों से 10 मिनट में यह रेस्टोरेंट जैसा स्नैक घर में बना सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल लेंगे, उसमें 3 उबले हुए आलू को स्मैश करके लिया है, आधा कप उबले हुए स्वीट कॉर्न लेने हैं, आधा कप ब्रेड क्रम डाल देंगे। ये 3 ब्रेड को मिक्सी में डालकर इसको पीस के लिया है। अब इसमें स्वादानुसार बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे और कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और आधा कप ग्रेट किया हुआ चीज डाल देंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और 1 टीस्पून ऑरेगानो, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर इसमें डाल देंगे। इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिना पानी डाले ही इसका डो बना लेना है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। आधा कप पानी डालकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए और स्वादानुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बिना लम्स के यह घोल बना लेंगे। अब इसे साइड में रख देंगे। अब डो को 1 चम्मच सेट करके उसी साइज के बॉल बना लेंगे और उसे थोड़ा चपटा कर लेंगे और उसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और उसको चारों तरफ से बंद करके अच्छे से बॉल का शेप देना है। इस तरह सारे बॉल बना लेंगे। एक एक करके सारे बॉल बना के रेडी रखना है। आपको स्वीट कॉर्न का कौन सा स्नैक सबसे ज़्यादा पसंद है यह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बार कॉर्नफ्लोर का घोल मिक्स कर लेंगे और उसमें एक एक बॉल डिप करके उसी बॉल को ब्रेड क्रम से कोट कर ले। इसी तरह सारे बॉल को ब्रेड क्रम में कोट करके लिया है। अब इस बॉल को फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम करने के लिए रखा था, ऑयल को चेक कर लेंगे। ऑयल परफेक्ट गरम है। अब उसमें एक एक बॉल डालकर उसको फ्राई कर लेंगे। यह मीडियम आंच पर फ्राई करना है। कम आंच पर फ्राई करने से यह बॉल्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरह एक एक करके सारे बॉल को फ्राई कर लेना है। एक साथ में 1 या 2 बॉल ही फ्राई करें ताकि ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और बॉल भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह सारे बॉल फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यह कितने क्रिस्पी बने हैं। बॉल को अब तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल यह चीजी और क्रीमी बने हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और 2 रेस्टोरेंट स्टाइल टी टाइम स्वीट कॉर्न रेसिपी के लिए इन 2 वीडियो को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।